Did you know, एक ऐसी पाकिस्तानी ड्रिंक है जिसके तकरीबन 1 बिलियन ग्लासेस पूरी दुनिया में पिए जाते हैं. And no, it's not water. चलें एक हिंट देते हैं. It's लाल and it's older than कायम अली शाह. पाकिस्तान, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज एंड टू वर्ड्स, रू अफ्जा. रू अफ्जा एक ऐसी ड्रिंक है जो हमारी परनानी, नानी, अम्मी एंड नाउ प्रॉब्ली यू हैव डिफरेंट टेक्स ऑन. पर बात वहीं आकर ठहरती है कि हम सब ने कभी ना कभी लाइफ में रू अफ्जा जरूर पी हुई है. वैसे देखा जाए तो रू अफ्जा हैज बिकम आइकॉनिक. पाकिस्तानी आइडेंटिटी से तो जुड़ा है सो है, बट इट हैज ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ मुस्लिम आइडेंटिटी. अब आज के दौर को ही ले लीजिए, रू अफ्जा हैज बिकम अ पार्ट ऑफ अ पॉपुलर कल्चर. एड्स, फिल्म, लिटरेचर, यू सी इट एवरीवेयर. ये शरबत बहुत बेकार है. रू अफ्जा इज दी कंपेनियन टू आर खजूर, द अल्टीमेट फालूदा टॉपिंग एंड नाउ अ कार्बोनेटेड ड्रिंक एज वेल. रू अफ्जा एक वाहिद ऐसी ड्रिंक है विच इज नोन टू द मिलेनियल्स एंड टू द बेबी बूमर्स एज वेल. अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी फूड ब्रांड्स हमेशा अपने इंटरनेशनल कंपटीशन के साथ कम्पीट करते नजर आते हैं. आए दिन ऐसे प्रोडक्ट्स आपको नजर आते हैं जिसके इंटरनेशनल वर्जन्स आपने जरूर देखे हुए होंगे. श्योर, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की भी कमी नहीं है, पर फॉर सम रीजन हमें मार्केट्स में वो प्रोडक्ट्स नजर नहीं आते. इस लाल शरबत में ऐसी क्या बात है कि इसने सालों साल मार्केट में सर्वाइव किया? What do we really know about रू अफ्जा? 1907 में हकीम अब्दुल मजीद ने पुरानी दिल्ली के दवाखाने में एक शरबत बनाया और नाम रखा रू अफ्जा. ये शरबत इंडिया के शदीद गर्मी से होने वाले हीट स्ट्रोक्स और वाटर लॉस का इलाज था. शरबत हिट हो गया. दिल्ली के अलावा कई नवाबों और राजाओं ने भी रू अफ्जा को अपनी समर डाइट का हिस्सा बना दिया. हकीम साहब देन डिसाइडेड टू मार्केट द प्रोडक्ट. 1910 में मिर्जा नूर अहमद से दरख्वास्त की गई कि वो रू अफ्जा का आइकॉनिक लेबल बनाए, वही लेबल जो आज तक पाया जाता है. द लोगो वॉज टू एडवांस फॉर द प्रिंटर्स एट दैट टाइम इन दिल्ली, इसलिए इसको बॉम्बे में प्रिंट करवाया टू गेट द कलर्स एंड प्रिंट जस्ट राइट. रफली बाय 1915 रू अफ्जा बिकेम पॉपुलर इन दिल्ली, स्पेशली इन द मुस्लिम कम्युनिटी. 1947 हकीम सईद अब्दुल मजीद के छोटे बेटे माइग्रेटेड टू पाकिस्तान व्हाइल हिज ब्रदर स्टेड बैक इन इंडिया. यहाँ आते ही उन्होंने शरबत का सिरप किराए के लिए 2 कमरों में बनाना शुरू किया. Fun fact, when Rue Afza was just a startup, Hakeem Saeed and his small team used old bottles and glued the labels into them individually. Par kuch arse baad Germany mein Rue Afza ke liye ek special bottle design ki gayi jo shuru mein glass ki thi and then eventually it turned into plastic. Aur aaj hame Rue Afza ki ek plastic bottle market mein nazar aati hai. Aur bahut jald hi Hamdard Laboratory ka setup hua aur Rue Afza ban gaya Pakistan ka household name. रू अफ्जा उन चंद फूड आइटम्स में शुमार किया जाता है जो पाकिस्तान में रहने वाले और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोगों में काफी मशहूर है. रू अफ्जा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी ना सिर्फ पहचान पाकिस्तानी है, बट इवन द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इट आर आल्सो क्वाइट देसी. एंड यू कैन सी दीज मैसेजेस इन देयर एड्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन. व्हाट क्रिएट्स द नॉस्टैल्जिया अटैच्ड टू द ड्रिंक? इज इट द कलर और द टेस्ट या रमजान के साथ जिसके एसोसिएशन है? आई मीन इफ यू थिंक अबाउट इट, हमारी हर चाइल्डहुड मेमोरी डिसअपीयर हो चुकी है. People, places, products. But the idea and the product of Rue Afza hasn't changed. It's a part of everybody's childhood. Aur shayad yahi aitbaar hai jo hame baar baar Rue Afza khareedne pe majboor kar deta hai.